हमारी दुनिया करोड़ों साल पुरानी है और इंसान हजारों साल पुराने हैं। वैसे तो हम मॉडर्न डे इंसान हैं, लेकिन हमारे पूर्वज हमसे कई गुना ज्यादा मॉडर्न और एडवांस थे। क्यों यकीन नहीं हो रहा? आइए जानते हैं कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जिन्हें जानने के बाद आप यकीनन यकीन कर लेंगे। नंबर 10, ओल्डेस्ट एवर वाइकिंग ड्वेलिंग। इस साल की शुरुआत में एक्सपर्ट्स को ईस्टर्न आइसलैंड में वाइकिंग एज के घर मिले, जो कि एक बड़ी डिस्कवरी माने जाने लगे। दोस्तों, वाइकिंग्स के बारे में आपको बता दूं कि ये लोग समुद्री डाकू किस्म के लोग हुआ करते थे, जो कि सन 800 से 1100 के बीच एग्जिस्ट करते थे। वाइकिंग्स के मिले घर 800 से 850 एडी के बीच के ही थे और वाइकिंग्स ही आइसलैंड पे जाने वाले पहले ह्यूमन भी थे। यानी कि अगर देखा जाए तो आइसलैंड के सभी लोग समुद्री डाकुओं के वंशज हैं। जोक्स अपार्ट, ढूंढे गए घर वाइकिंग्स के रहन सहन और उनके कल्चर के बारे में काफी कुछ बताते हैं। इन घरों की औसतन लंबाई 31 मीटर तक है। ये डाकुओं के घर थे, इसलिए ये आइसलैंड के सबसे रिच घरों में से एक हैं। यहाँ बहुत कुछ मिला है जो कि दुनिया के सबसे महंगे एंटीक्स में से हैं। नंबर 9, अ शिपरेक फ्रोजन इन टाइम। ब्रिटिश एक्सप्लोरर और नेवल ऑफिसर सर जॉन फ्रैंकलिन 1845 में दो शिपरेक के साथ अमेरिका का वो हिस्सा ढूंढने निकले थे जो कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर को छूता है। इन दोनों शिपरेक के नाम HMS टेरर और HMS ईयरबस थे और इन पर तकरीबन 133 लोग सवार थे। ये सभी लोग और दोनों शिपरेक अचानक गायब हो गए और 100 से भी ज्यादा मिशन के बाद भी इन्हें ढूंढा नहीं जा सका। लेकिन साल 2014 और 2016 के बीच उन्हें पर्क्स कनाडा आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा तलाश लिया गया। उत्तरी कनाडा में डूबे इन शिप्स को जब देखा गया, तब ये पता चला कि इसमें कंपार्टमेंट और रूम सब कुछ ऐसे खुला है जैसे डूबते वक्त शिप के क्रू ने बचाने की कोशिश भी न की हो। हालांकि बर्तनों से लेकर डूबे हुए डॉक्यूमेंट्स तक सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट इसके बारे में रिसर्च करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सर जॉन फ्रैंकलिन का मिशन कैसे फेल हुआ और शिपरेक कैसे डूबा। नंबर 8, 4400 ईयर ओल्ड टोम्ब। साल 2018 में इजिप्शियन आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने सक्वेरा में एक प्रीस्ट का मकबरा खोज निकाला। ये मकबरा मॉडर्न डे कायरो के पास ही है और लगभग 4400 साल पुराना है। 16 फीट जमीन के नीचे दबा यह मकबरा लगभग बनने के बाद से ही वैसे ही प्रिजर्व्ड पड़ा हुआ है। हैरानी की बात यह है कि ये कीमती सामानों से भरा होने के बावजूद भी लूटा नहीं जा सका। पेंटिंग से लेकर यहाँ मौजूद तस्वीरों तक को देखकर यही लगता है जैसे इसे कल ही बनाया गया हो। तस्वीरों के कारण आर्कियोलॉजिस्ट प्रीस्ट की लाइफ को भी एक्सप्लोर कर सके हैं। ये रॉयल प्योरिफिकेशन प्रीस्ट था जिसे किंग खारी के साथ काम करने का मौका मिला था। ये अपनी तरह का ढूंढा गया एकमात्र मकबरा है। यहाँ मिले एंटीक्स और तस्वीरें बहुत ही ज्यादा रेयर हैं। हालांकि हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े चेंबर में खजाने तो बहुत हैं, लेकिन अब तक कॉफिन नहीं मिल सके है। आर्कियोलॉजिस्ट कॉफिन के लिए इस चेंबर को तोड़ना नहीं चाहते। नंबर 7, स्पेनिश स्टोनहेंज। स्पेन में मिले 140 स्तंभ औसत 2 मीटर ऊंचे हैं। ये पानी के किनारे बनाए गए हैं, लेकिन इनका काम क्या है ये आज तक डिकोड नहीं किया जा सका। इन्हें देखकर हर आर्कियोलॉजिस्ट यही सोचता है कि आखिर ये हैं क्या। इन्हें यहाँ देखकर इतना तो साफ हो जाता है कि पहले ये पानी के अंदर थे, लेकिन ये वहां भी किस लिए थे इसका जवाब अब तक आर्कियोलॉजिस्ट के पास नहीं है। 4000 से 7000 साल पुराने ये स्तंभ 1963 से पहले पानी के अंदर चले गए थे, लेकिन रिसेंटली 2019 में सूखे के कारण पानी से बाहर आ गए। इन्हें प्रिजर्व करने की बात की जा रही है क्योंकि ये ग्रेफाइट भी हो सकते हैं। नंबर 6, 400 ईयर ओल्ड शिपरेक। सितंबर 2018 में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी चीज मिली जिसे वो डिस्कवरी ऑफ डेकेड का दर्जा देते हैं। क्या आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या है वो चीज? वो है एक पुराना शिपरेक, लगभग 400 साल पुराना। कोस्ट ऑफ कसाकस के पास मिला ये शिपरेक 1575 से 1625 साल पुराना है। वैसे क्या ये डिस्कवरी ऑफ डेकेड अपने पुराने होने के कारण है? बिल्कुल नहीं, ये डिस्कवरी ऑफ डेकेड है क्योंकि इसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग पाया गया है। 40 मीटर ऊंचे इस शिपरेक को इंडिया से वापस लाया जा रहा था और ये टोकस नदी के मुहाने पे डूब गया था। इसमें चाइनीज हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन एंटीक्स बरामद हुए हैं जो कि उस वक्त की एक अलग ही कहानी कह रहे हैं। ये शिपरेक किसी राजा के महल से भी ज्यादा अमीर है। नंबर 5, पेजली एबी टनल मिस्ट्री सॉल्व्ड। साल 2019 की गर्मियों में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने लगातार काम करके एबी ड्रेन नाम की एक टनल को पूरी तरह साफ कर लिया था। स्कॉटलैंड के पेजले में स्थित ये टनल काफी ज्यादा रहस्यमय है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस टनल के बारे में सभी लोग बहुत पहले से जानते थे। वो ये तो जानते थे कि ये कहां से शुरू हो रही है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये कहां खत्म हो रही है। 2019 में काफी मेहनत के बाद मॉनेस्ट्री के नीचे दबे इस टनल को रिवील किया जा सका और ये बस कार्टर रिवर से 3 मीटर की दूरी पर निकले। 328 मीटर की इस टनल को लगातार किसी रहस्य को सॉल्व करने के लिए खोदा जा रहा था।
लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को इसके अंत तक जाकर पता चला कि ये एक पानी पास करने वाली टनल थी। हालांकि इसे बेसलेस नहीं कह सकते, क्योंकि इससे ये पता चला कि कार्टर रिवर लगभग 3 मीटर छोटी हो गई। जलवायु से लेकर शहर के स्ट्रक्चर तक इस टनल ने इंसानों के पढ़ने के लिए नए पन्ने खोल दिए हैं। नंबर 4, नियोलिथिक वुडहेंज। इस साल की शुरुआत में रिसर्चर्स को साउथ सेंट्रल पुर्तगाल के एवोरा डिस्ट्रिक्ट में कुछ ऐसा मिला जिसने उन्हें हैरान कर दिया। यह था पाषाण काल का लकड़ी का स्ट्रक्चर। 18.3 मीटर के व्यास का यह स्ट्रक्चर आधा से ज्यादा नष्ट हो चुका था। पुर्तगाल न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान एंटोनियो वलेरा नाम के आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि पाषाण काल के इस स्ट्रक्चर का जुड़ाव यूरोप के पाषाण काल के मिले अन्य स्ट्रक्चर्स जैसा है। 3400 से 2000 बीसी पुरानी ये स्ट्रक्चर पहले केवल मिडिल यूरोप में मिला करते थे, लेकिन 23 सालों की खुदाई के बाद इन्हें यूरोप के दूसरे इलाकों में ढूंढा जाने लगा है। ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलते रहे तो जल्द ही इंसान पाषाण काल के बारे में सब कुछ जान सकेंगे। नंबर 3, आर्टिफिशियल नियोलिथिक आइलैंड। तकरीबन एक दशक पहले पब्लिश हुई एक स्टडी के अनुसार पाषाण काल के लोग आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया करते थे, जो कि क्रनोक्स के नाम से जाने जाते थे। रिसर्चर्स क्रनोक्स के बारे में जानते तो थे, लेकिन अब तक मेजर क्रनोक्स को नहीं ढूंढा जा सका था। लेकिन तभी एक आइलैंड मिला जो कि क्ले, लकड़ियों और लोहे से बना था। यह आइलैंड लगभग 2800 साल पुराना था। वैसे तो क्रनोक काफी ज्यादा छोटा था, लेकिन ऐसे ही कई सारे और भी क्रनोक पाषाण काल के लोगों द्वारा बनाए गए थे, जो कि आकार में बहुत ज्यादा बड़े थे। इतने बड़े कि उनपे पूरा मोहल्ला बसाया जा सके। लौह युग के ये आइलैंड किस लिए बनाए गए थे, इसका पता अब तक नहीं लगाया जा सका है। शायद उस वक्त के लोगों के पास जगह की कमी भी नहीं थी। पर हाल इस सवाल का जवाब जानने के लिए अब तक खोजबीन जारी है। नंबर 2, मैसिव स्ट्रक्चर हिडन इन प्लेन साइट। साल 2016 में वैज्ञानिकों को सैटेलाइट से पेट्रा रुइन में एक हैरान कर देने वाला स्ट्रक्चर नजर आया। यह स्ट्रक्चर पेट्रा रुइन के रेगिस्तान के नीचे दबा हुआ था और इसका साइज लगभग एक ओलंपिक के स्विमिंग पूल जितना था। इस स्ट्रक्चर को खोदकर निकालने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट इसी सोच में पड़ गए कि आखिर इस स्ट्रक्चर का क्या काम है। क्या आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं? न तो ये स्ट्रक्चर किसी महल के जैसा है, न ही ऐसा लगता है कि इसे किसी रिलीजियस एक्टिविटी में यूज किया जा सकता है, और न ही ये स्ट्रक्चर किसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज की जाने वाली कोई बिल्डिंग जैसी है। वैसे भी जहां ये मिला है वहां से उस जमाने का प्रोजेक्टेड शहर काफी दूर है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये एक जेल हो सकता है रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में? 2150 साल पुराना ये स्ट्रक्चर आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। नंबर 1, गोल्डन कैननबॉल फॉसिल। साल 2019 में अपने पिता के साथ फॉसिल की रूटीन खोज में एरन स्मिथ नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को कुछ ऐसा मिला जिसने उसे हैरान कर दिया। एरन को एक बड़ी कैननबॉल मिली जो कि इंग्लैंड के विटबी में सैंडसेंट बीच के किनारे गिरे हुए थे। वैसे तो इस तरह की बॉल्स बहुत साधारण होती हैं, लेकिन स्मिथ को लगा इसमें तो कुछ खास है। एरन ने जब इस बॉल को तोड़ा तो उसे अंदर एक 185 मिलियन ईयर पुराना फॉसिल मिला। ये टिकेरास नाम के जीव के फॉसिल थे जो कि एमोनाइट थे और डायनासोर्स के साथ ही विलुप्त हुए थे। एमोनाइट के फॉसिल्स काफी मुश्किल से मिलते हैं और एरन जब से फॉसिल ढूंढने का काम कर रहा है तब से कई बार वो एमोनाइट फॉसिल्स ढूंढ चुका है। लोगों ने कैनन बॉल की वीडियोस को काफी पसंद भी किया है। एमोनाइट के बारे में अभी इंसानों को बहुत कुछ जानना है। तो दोस्तों, ये थी वो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जिन्होंने हर किसी को सन्न कर दिया। हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपके हिसाब से पेट्रा रुइन का वो स्ट्रक्चर आखिर किस काम आता होगा।